नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप लोग देख रहे हैं मेडलैब चैनल। मेरे इस मेडलैब चैनल में दोस्तों आज का जो वीडियो है वो साइप्रोसिन ड्रॉप के बारे में। साइप्रोसिन ड्रॉप का यूज क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है और इसका डोज कैसे लेना चाहिए, इसके साथ साथ इसका यूज करने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, इस सारे की सारी जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बिना स्किप करके लास्ट तक जरूर देखते रहिए। और साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे मेडलैब चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज एक बार मेरे मेडलैब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बगल वाले घंटों को भी एक बार प्रेस कर लीजिए। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो साइप्रोसिन सिरप के बारे में, तो इस साइप्रोसिन की सिरप की पूरी रिव्यू लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। साइप्रोसिन जो ड्रॉप फॉर्म में आप लोगों को मिलता है, इस ड्रॉप साइप्रोसिन को आप अपने बच्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यूज ओनली फॉर पेरिडिक, ये बच्चे के लिए दोस्तों सिर्फ इस्तेमाल होता है। और जो इसका जो मेन सॉल्ट है उसके बारे में भी दोस्तों एक बार गौर कर लेते हैं। इसमें दोस्तों आपको साइप्रोहेप्राटिन मिलता है और टेडेस्ट्रोलिन सिट्रेट मिलता है, ये दोनों ही सॉल्ट से बना है साइप्रोसिन ड्रॉप। आइए इस 1 ml में आप लोगों को कौन सा सॉल्ट कितना एमजी मिलता है। साइप्रोहेप्राटिन मिलता है आपको 1.5 mg और टेडेस्ट्रोलिन सिट्रेट मिलता है 55 mg। तो ये दो ही सॉल्ट दोस्तों आप लोगों को मिलता है इस साइप्रोसिन ड्रॉप में। इस साइप्रोसिन ड्रॉप का यूज क्या क्या है, किस किस परिस्थिति में आप अपने बच्चे को इस साइप्रोसिन ड्रॉप को दे सकते हैं। ज्यादातर आपको बच्चा को भूख नहीं लगना, रोता ही रहता है, तो सही से बच्चा खाता भी नहीं है और सोने का नाम नहीं लेता। एक छोटा बच्चे के लिए दोस्तों दिन में कम से कम 8 से 9 घंटा सोना चाहिए। उस हिसाब से आपका बच्चा सही से सोता नहीं है या दिन भर रोता रहता है, भूख नहीं लगता, ये आदि प्रॉब्लम के लिए आप इस साइप्रोसिन ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस साइप्रोसिन ड्रॉप का इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर का सलाह ले लीजिएगा, डॉक्टर का सलाह के बाद ही आप इस साइप्रोसिन ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप लोगों को 15 ml मिलता है और साइप्रोसिन जो ड्रॉप है ये जुपिटर कंपनी का एक बेस्ट प्रोडक्ट है और ये जुपिटर का प्रोडक्ट आप लोगों को इंडिया में किसी भी मेडिकल शॉप में आसानी से मिल जाएगी। आइए आप गौर करते हैं इसका MRP के बारे में। इसका MRP है 38 rupees। तो 38 rupees में आप इस साइप्रोसिन ड्रॉप को आसानी से खरीद के अपने बच्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे में भूख लगने का प्रॉब्लम है, सही से भूख नहीं लगता या खाने का रुचि नहीं है या आपके बच्चा दिन भर रोता रहता है, तो इस सब आदि प्रॉब्लम के लिए आप साइप्रोसिन ड्रॉप को खिला सकते हैं। इस ड्रॉप को खिलाने के बाद दोस्तों आपके बच्चे का डाइजेस्ट भी सही हो जाएगा, सही से आपके बच्चे को हजम का जो प्रॉब्लम था, डाइजेस्ट का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो जाएगा। उसके साथ साथ आपके बच्चे का भूख भी ज्यादा दिन में लगेगा दोस्तों, ज्यादा टाइम आपका बच्चा खाना भी चालू कर देगा। तो सारे के सारे प्रॉब्लम में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इसका डोज के बारे में एक बार गौर कर लेते। उससे पहले दोस्तों एक बार आपको खुल के दिखा देते हैं ये साइप्रोसिन ड्रॉप का कैसा दिखता है, इसके साथ साथ क्या क्या मिलता है। ये दोस्तों सबसे पहले प्लास्टिक की बोतल में आप लोगों को मिलता है ये साइप्रोसिन ड्रॉप और उसके साथ दोस्तों एक ड्रॉप मिलता है। इस ड्रॉप से मेंशन करके आप अपने बच्चे को कितना बूंद कितना टाइम दिन में खिलाना होगा, उससे इस ड्रॉप से दोस्तों आप आसानी से नाप के अपने बच्चे को खिला सकते हैं। तो यही दो ही चीज आपको इस ड्रॉप में मिलता है, एक ड्रॉप और एक मेडिसिन। दोस्तों इसका डोज कितना बार दिन में देना चाहिए अपने बच्चे को, ज्यादातर साइप्रोसिन का यूज आप अपने बच्चे के लिए डॉक्टर साहब जितना टाइम जितना बार जितना ml आपको लिख के दे उस हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। उसके साथ साथ आपका बच्चा 0 से लेकर 3 साल तक आप अपने बच्चे के लिए ये साइप्रोसिन ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके बच्चे 1 साल से नीचे हो तो बच्चे को 10 से 15 बूंद दिन में 2 टाइम दे सकते हैं, उससे ऊपर होने से दोस्तों 2.5 ml करके दिन में 2 टाइम दे सकते हैं। तो इस हिसाब से इसको यूज करना चाहिए दोस्तों। और इसके यूज करने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट होता है उसके बारे में भी एक बार गौर कर लेते हैं। इसका साइड इफेक्ट आपका बच्चा लॉन्ग ज्यादा नींद आ सकता है अपने बच्चे को, उसके साथ साथ आपके बच्चे को थोड़ा लूज मोशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। इस हिसाब से आदि कोई भी प्रॉब्लम आपको बच्चे को दिखाई देता है तो साथ साथ इस साइप्रोसिन ड्रॉप का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए और डॉक्टर का सलाह ले लीजिए। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया और अगर आप लोगों को मेरा इस वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।